नदीम मुल्ला साहब ने एक जोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तकबाल के लिए जमीन नदीम मुल्ला साहब का। यहाँ पे 20 नवंबर 2024 मैं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा समाज और हम लेकर उपस्थित हैं। नदीम मुल्ला साहब ने एक जोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तकबाल के लिए जमीन नदीम मुल्ला साहब का। यहाँ पे 20 नवंबर 2024 को मुंद्रा कलवर विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में कलवर नगर एतराफ के सभी सोसाइटी के दिगर मेम्बरान और आवाम से गुफ्तगू कर लेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जिनमें आज शाम से बहुत मेहनत की हमारे बशीर काजी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मेरे भाई जिन्होंने हमेशा देश में कुर्बानी दी है, राजन केनी साहब और तमाम शख्सियत स्टेज के ऊपर वक्त लगाया गया, इसके लिए माजरत चाहता हूं और हाजरीन जल्द से अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज का इलेक्शन देखने मिल रहा है। पहली बात तो हकीकत यह है कि 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई थी। बेलापुर के 6 मतदान नगर के अंदर से 6 विधानसभा के अंदर से 1 ये विधानसभा बनी थी और उसके बाद ये नया मतदान संघ बना था जो एक इलेक्शन 2009 में हुआ था। कलवा ने तो जितेंद्र रावत साहब को ना पसंद किया था, हमारे राजन भाई को पसंद किया था। 12,000 तकरीबन वोट से वो आगे थे। गलती राजन दादा मेरी है कि उस वक्त हमने सब ने मिलके जो मुमरा में मेहनत की थी, क्यों बोला जो मेहनत की थी और वो मेहनत का नतीजा ये था कि हमने 27,000 की लीड उनको दी और वो तकरीबन 16,000 के लीड से जीत गया है। राजन दादा, वो गलती सुधारने के लिए मैं आया हूं। मेहनत हमने की, नुकसान तुमको हुआ, तुमने 2012 में नुकसान किया, हम दोनों ने नुकसान उठाया, हमारी बात मानी, आवाम ने 15 साल नुकसान उठाया, वो तो फायदे में रहा। बस फक्र की बात है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहां मौजूद जितने भी है स्टेज पे वो 2009 की जीत की लड़ाई में साथ में थे और यहां बहुत सी आवाम बैठी भी है, खड़ी है, वो आवाम भी और साथी भी उस लड़ाई के अंदर साथ में है। कहना यह है कि उस दौरान जो साथ में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर से मेरे बाजू मजबूत करने के लिए साथ दिए। इलेक्शन के दौरान हमेशा आपने देखा होगा कि इंसान, एक उम्मीदवार जब पिछले कई साल आपकी नुमाइंदगी करते रहता है तो वो अपने काम गिनाता है। ये बात तो देता है, वो अपने काम गिनाता है कि पिछले 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में ये काम किया, बताओ 15 साल में मैंने इसको तब्दील किया, 15 साल मैंने ये चीज लाया हूं, तो आप फिर से मुझे एक मौका दो, आने वाले 5 साल में मैं ये चीज के काम आपको दूंगा। इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो अपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसके सवाल का जवाब देते रहता है। अगर मैं पहले टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी, ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूं कि मैं नहीं, आवाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और मेरे साथी जिला जिला के पूछ रहे, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पिछले 15 साल में जो आपका अखबार ऊट सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था उसके साथ ही डोरीमान मोरीमान तो नहीं खान साहब बोलते, मैंने बोलता हूं, मैंने अल्फाज यूज नहीं किया, नहीं खान साहब के अल्फाज थे, डोरीमान डोरीमान मोरीमान को पूरा के बात करता है, ऐसा नहीं भाई बोलते थे, मैंने कहा मुझे आते थे किसी को नहीं भाई की वीडियो बताए इसके लिए आता है, वो ऊट सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, एक छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कमरे से मुट्ठी निकलती है, ऊपर से एक मुट्ठी निकलती थी, बाजू से एक मुट्ठी निकलती थी कि मैं कैमरे के अंदर आऊं। आप वो दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे बताइए तकरीबन 1 महीने से
हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है। अरे अल्लाह तेरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गई, घर से कहां पहुंचा, अब तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे, दो महीना पहले एक महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? दो गवाह तो यहां मौजूद है, एक और आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है एक एक सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते में बगावत करके उसके खिलाफ करते हैं। आज हम लड़ने की पहचान चुकी है। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी एडम पे लास्ट टाइम पे उड़ा थी, मजबू भाई एडम पे क्या है, मुला साहब क्या है, मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और मैं बच गया और हम बिक गए। आप बच गए और हम बिक गए। जज्बात, आप बचे तो हमारे वोट से क्या लेते, वो तो अल्लाह की देते। आप बचे, हमें तो वो जो वादे उड़ान में किए थे उसकी बात करनी है, हमें तो 2014 की बात करनी है। अभी सफर बाकी है तो क्या और बुमराह को लूटना बाकी है? अरे भाई साहब कोई बताइए, जमीन बची है क्या? जी साहब तो सफर क्यों बाकी है फिर? मित्तल तो गया। अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, सीधे सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल। अरे ये मोहब्बत है, 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कह के बता, मैं टोरेंट भरूंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाज तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई, आपने टोरेंट लाया कि हम नहीं कहते। उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है, आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप छिटा के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही कानून से बना हुआ होता है, वहां कुछ गलत बात की है कानूनी कार्रवाई होती है, रेन दो कान दुखेंगे सबके वापस आएंगे। ये 15 साल का काम है, ये 15 साल का काम है, एक आपका भाई एक आपका नौजवान बेटा यहां मोहल्ले में आने लगा तो तुतारी घुमाने का वक्त आ गया, टोरेंट को छोड़ी का लोग आने लगे, बौखला गए हैं, करारा जवाब 20 तारीख को मिलेगा। ऑफिस खोलने गए, अरे भाई 500 रुपए में इतना ही देते हैं। ये कहना चाहता हूं कि अरे मर्द मार्ग अकेला निकला हूं रामोड़ी से, इधर ये देख काफला बंधा गया, 50 बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमता हूं। अरे जवाब, दो पुलिस कम होती है ना तो झूठे लेटर लेकर हमने पावर साहब के पास पहुंचाए, वो पुलिस घूमती है तुम्हारे पे दादागिरी करने में। आज टोरेंट लाए, क्यों ना मंत्रिमंडल में आवाज उठे? अरे तो 500 रुपए बट रहे ना, वो 60 पैसा यूनिट के पीछे जो हफ्ता मिलता है ना उसके पैसे, अब सोचो, अब सोचो ये पैसा कहेगा है। कब्रिस्तान की जो मट्टी चोरी हुई है, मैंने नहीं कहा, जो मेरे मोमिन भाई दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना, एक कहता है मेरे साइड की मट्टी और एक कहता है मैं तो उसका दिया ना पैसा, तो सामने वाला क्या बता रहा है, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता की, अरे वो आखिरत वो आशियाना हमारा है, हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर, तुमने वो हमारे घर को बेचा। और बीजेपी की बात करते, अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते न, तो क्यों नहीं आके वार्ड में जफर के आशीष को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये, एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना
एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को नड़ के आपको पैसा दिखाए। आपने पार्टी लगाई, नारियल थोड़ा टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, 15 साल में लाया। हमने कायदा पैसा लाया, हमने आके देखे कि कब्रस्तान की कस्ती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं, गलत इंसान को नेता मान के लड़ा मैं, माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधार में आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किया एक बार कि नजीब तू वो कब्रस्तान को लाना, मेरे पास अमृत नगर के कब्रस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है, अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए, स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने के बोले काम करके लाए। और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है आश्वासन। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ अच्छा कर रहा है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बात ही है, नौजवान इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफसर ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, 15 दिन में लाइब्रेरी वो पढ़ना पढ़ाना आएगा, कहां है कहां है? अरे जो कब्रस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवक ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, ऊट सूट टीवी पे चंपोगिरी करने वाले अमदार साहब कहां थे? जब आपने नहीं लाया था तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? ऊट सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी होगा, एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट का भाई होता वो कहता है जितनी मुमरा कलवा की यूनिट आती है उसका 60 पैसा साहब को जाता है, उसमें नाम लिया उसने। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं, रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाऊंगा। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है तो क्या सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ आपके अंबार साहब ने लिया? हम नहीं सेक्युलर हो सकते? ये यहां मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का पाप बंद नहीं कर सकता। आप 2 रोल कर सकते हैं और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो? अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोरी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था हुआ मस्जिद आबाद में, मेरा ईमान किया जो मैंने आप सब मांगा शिर्क किया माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए, आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड को पैसा लाया, 200 करोड़ रुपया लेकर आए, हर काम के लिए नाने को कब्रस्तान स्कूल लेकर आए, इतना ही नहीं लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो पुस्तई गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में 150 पढ़े 500 रस्ते पे, वो स्कूल नजीब मुल्ला ने, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल का 150 बच्चे पढ़ रहे 500 रस्ते पे आए, 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत लाया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं ये कहूंगा 2 रास्ते, 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या घड़ी, घड़ी को याद रखे, जय जय महाराष्ट्र, अल्लाह आगे। जरा सब लोग अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले, कुछ दिनों में आपके घर में मोबाइल से फिर लाइट रहेगी क्योंकि टोरेंट आपको बर्बाद कर रहा है, याद रखो टोरेंट की लाइट चालू करो। हर माँ का बेटा बहन का भाई, हर माँ का बेटा बहन का भाई, भाई मोबाइल की लाइट चालू करो और लड़ेंगे इमरान खुल्ला, चुन के आएंगे नजीब मुल्ला, प्रचार करेंगे खुल्लम खुल्ला नजीब, वो चुन के आएंगे नजीब मुल्ला, धन्यवाद। लेकिन आवाज़ भाई नहीं।
के पीछे जो देखा जा रहा है तुतारी का लोगो लेके, अभी आपको जो है नजीब भाई के साथ मिलते हुए देखा है, क्या ये रोल है आप लोगों का? नजीब भाई आए थे जंगल में शेर से मिलने, मैं तो ऑलरेडी इधर बैठा हुआ था, मैं मिलने थोड़ी गया, जाते जाते मुलाकात हो, वो बोले शेर आया लोग चिल्ला रहे थे, तो बोले आगे एक शेर खड़ा है ऑलरेडी, खड़ा है तो मुलाकात की, आगे गए। लेकिन पब्लिक के मन में ऐसी शंका है कि आपके इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की उम्मीद लग रही, जो जिस तरह से आप गले मिले, पब्लिक के मन में ऐसे ये जाहिर हो रहा था कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि तुतारी छोड़ के जो है आप गाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, ये सबसे संबंध है, ऐसा थोड़ी है कि आए तो उनसे झगड़ा कर रहे हैं, और नजीब भाई जो है कैंडिडेट है, उसका हक है, वो हर एरिया में जाएगा, हर एरिया में वो सभा लेगा, उसका हक है, ये हमारा इलाका है, हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, मेरी बेटी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, हमारे लोगों से लेकर उनके भाषण के दौरान ही वो शायद मीडिया वालों के पास आपको देंगे हम लोग की क्लिप, तो हमने हमारे तरीके से हमारी पार्टी का सपोर्ट, जो जिसको हम सपोर्ट करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार को, उस पार्टी का सपोर्ट दिखाया है उनके प्रोग्राम में, तो हमारा सपोर्ट ऑलवेज अवार्ड सबके साथ ही है और वही रहेगा। जस्ट इसके पीछे अभी अवार्ड साहब की भी सभा थी, आप वहाँ पे नजर नहीं आए, यहाँ पे नजर आए, इसकी क्या वजह? अभी कैसा है कि अभी हर जगह अवार्ड साहब के साथ घूमने करके अपना अपना वार्ड देख रहा है, इलेक्शन है तो हम हमारे वार्ड में काम कर रहे हैं, हमारी कल सुबह से 11 बजे से 3 बजे की सारे मीटिंग है, हम उसके अरेंजमेंट में लगे रहे, तो इसके लिए वहाँ नहीं थे हम, और आने वाले संडे 10 तारीख को यहाँ पर ही सभा है, आप वो सभा देख लेना, ये सभा की आपके पास तस्वीर आई ना, फोटो भी आई है, हमारी सभा देख लेना, दिल से लोग कैसे आते हैं, वार्ड के लोग रहेंगे, पैसा देके लाए हुए लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे मुझे वार्ड के लोग दिखे, जो वार्ड के लोग थे वो सब साइड में खड़े थे मेरे साथ यहाँ पर। यूनुस भाई, आपने जो है सभा में आपने जो निशानी का प्रदर्शन किया, क्या जाहिर करना चाहते थे? लोगों को बताना चाह रहे थे कि भाई इतना नहीं है जो हमारी निशानी है, अभी तक लोग थोड़े कंफ्यूज है, गरीब बनेंगे, नजीब भाई उनका दोस्त था, वो लोग समझते हैं कि वो नजीब भाई उनका प्रचार करने आ रहे हैं, इस तरीके के दिमाग के लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये हमारी निशानी है, इस पर हमको वोट करना है। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है, इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।